से आई टले बला और जय मस्तिष्क में सूली हो वह कांटे में टल जाए। अभी क्या परंपरा बनी हुई थी समाज में, अभी भी बहुत है, लड़की के विवाह को एक मुकदमा बना रखा था, एक समस्या बना रखी थी, और इसी कारण से बेटियों से नफरत बढ़ने लगी थी क्योंकि उसके विवाह में बहुत खर्च की आवश्यकता, बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ने लगी थी। ये लालची लोग दहेज के चक्कर में जुल्म करने लगे थे। और वो होता क्यों है, क्योंकि जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे ले लेते हैं, देते नहीं, धोखा कर देते हैं, वो उनको अगले जन्म में वो देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा मनमानो वो दामाद बन कर ले, वो देना पड़ेगा, और कई गुना हो जाएगा तब तक ब्याज ब्यूज लाग गए। तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहां पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपये खर्च नहीं होता, सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी, बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है, हमारे इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता, विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है। और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, जो लाखों रुपए में विवाह हुआ करता था यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो संस्कार चेंज कर दिए परमात्मा ने, वो हमारा लेन देन खत्म कर दिया। और एक न्यारी उमंग होती है ऐसे सिंपल ब्याह करने में। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं है और ये भक्ति मार्ग जिनको मिल गया, उनको विश्वास भगवान पर हो गया कि जो मालिक कहता वो सही है, उनका कल्याण तो होया पड़ा है। और दूसरे जिनकी दृढ़ विश्वास मालिक पर हो गया, संतान भी है, बच्चा ने बिलाओ लाइन पर, कल्याण उनका भी गारंटीड है। लेकिन हमने यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि हमारे संतान नहीं हुई। यदि ये मार्ग ना मिलता, और जिन बहन विशेषकर इस बात को सहन नहीं करती, और वो सहन करना चाहें तो संसारिक लोग कोई ना कोई इंजेक्शन जरूर ला दे रोज या तीसरे दिन, या तो कोई पड़ोसन आवेगी पूछेगी ए बहू का कोई बालक नहीं हुआ, 5 वर्ष हो गए ब्याह ने, तो ये तो कहेंगे कि ना कोई दया नहीं हुई भगवान की, एक जातक तो चाहिए था। अब वो तो इंजेक्शन ला कर चली जा रू पाछे, तो वो पुत्र वो धू वो बेटी बहुत देर तक रोती है, सोचती है भगवान मेरे से क्या गलती बन गई, मुझे संतान क्यों नहीं मिली, एक संतान मिल जाती दुनिया का मुंह बंद हो जाता। अब यदि ये ज्ञान समझ में आ जाता फिर तो बात खत्म होगी, कोई कुछ भी बांटो कहीं जागा तो नींद में बांटे हैं कहते रहेंगे। और यदि ये मार्ग नहीं मिलता उन बहनों के साथ क्या बनता है, वो अंतिम श्वास तक वो क्या करते हैं कि लास्ट में फिर जिनका संतान नहीं है, ज्ञानहीन भक्तिहीन प्राणी, वो के करेंगे कोई बच्चा गोद लेंगे लड़का किसी भाई का या बहन का या कोई रिश्तेदार का, यो एक छड़ा और गाड़ेंगे छाती पे, और फिर क्या होगा। अब तो बात तो बिगड़ रही है क्योंकि संसार का बहुत व्यवहार बिगड़ गया बच्चों का, फिर घर में कहा सुनी भी होगी, बच्चे की पुत्र वधू भी होगी गोद लिए हुए की, फिर बूढ़ा बुढ़िया बैठ कर रोया करेंगे, न्यों कहें मारा बेटा होता थे कि आज न्यों कहता मेरे को, वो तो समस्या पैदा करेली गोद लेने वाली थे, और अंत में क्या होगा फिर उसके साथ।
उस संतान का अभाव फिर भी सतावेगा, मरते समय तक भी वो बहन वो माई यही करती हुई मर जाएगी, हे भगवान मेरा संतान होती, आज मैंने बहुत कुछ सुनना पड़ा दुर्दंता का, अगले जन्म में यो काल उसकी इसी दुर्गति करेगा, या तो कुतिया का जन्म देगा अगले आठ आठ जाम एक कब्र में संतान तू, या कितने सुअर की जुन्नी देगा, एक ही टाइम एक ही ब्यांत पे बारह बारह पैदा करेगी अगले, तो खूब जाम जाम के छक दे या तेरी कसर ईब काट दूँ। तो परमात्मा कहते हैं इस काल के जाल को समझो, परमात्मा ने जो भी कर रखा है उसमें संतुष्ट रहो और अपना पीछा छुटवाओ, मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, यदि आप जी संतान को ही महत्व देते हो तो सुन लो इसका परिणाम, एक लख पूत सवा लख नाती उस रावण के दीवान बाती। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, रावण के 100,000 पुत्र थे और 125,000 उसके रिश्तेदार थे, बड़े बड़े जो है ना पैसे वाले और बड़े सूरवीर। क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 100,000 पूत 125,000 नाती उस रावण के दीवान बाती। आप तो भगवान से एक पुत्र की प्राप्ति के लिए खाड़े कर रहे हो, एक आशा लेकर आते हो। परमात्मा बताना चाहते हैं कबीर साहब जी के उस रावण के 100,000 पुत्र थे और काल ने वह भी खा लिए, उसके कोई दीवा लाने वाला भी शेष नहीं है, आज उसका दीवा नबाती। इसलिए इस काल की व्यवस्था से अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, परमात्मा पर विश्वास रखो, जो वो करते हैं वो सही करते हैं। एक समय एक राजा का एक महामंत्री था, वो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था, राजा भी धार्मिक था, लेकिन उस महामंत्री का विश्वास परमात्मा पर अलग ही था। दूसरे जो मंत्रीगण थे वो उस महामंत्री से बहुत ईर्ष्या रखते थे, उनका उद्देश्य था कि किसी प्रकार ये राजा के हृदय से गिर जावे और मेरा नंबर आ जावे महामंत्री पद पर। तो एक व्यक्ति ऐसे उसकी निंदा चुगली करते रहते थे, कोई ना कोई दाव लगाए रहता था। एक दिन राजा अपनी तलवार की धार चेक कर रहा था, वो कितनी तेज है, ऐसे स्वाभाविक निकाल कर अन्य हाथ से ऐसे देखते हैं जैसे ये नाई उस तरह देखा करें। उधर से वो बातें भी कर रहा था और साथ में उनके मंत्री महामंत्री खड़े थे, उसका ध्यान रहा नहीं, राजा की उंगली कट गई, अलग होगी दूर जा गिरी, और वो राजा ने कहा ले भाई बड़ा बुरा हुआ है, तो मेरी तो उंगली कट गई। तो महामंत्री ने कहा कि राजन बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है, अच्छा ही हुआ। अब उस राजा का कुछ तो दर्द हो रहा, और कुछ ही वो चुगलखोर पहले उनको कहते थे कि ये आपका वफादार नहीं है, राजा को वो बात ध्यान में आ गई कि यो तो मेरा शत्रु है, मेरी उंगली कटी नहीं होगा बहुत अच्छा हुआ। राजा ने कहा दूसरों को कि इसको कैद में ठोक दो, और जो चापलूस था वो महामंत्री बना दिया, जो उस भगत की निंदा कराया करता था। कुछ दिनों के बाद राजा की उंगली ठीक होगी, ठीक का मतलब कट तो गई वो, लेकिन वो जख्म भर गया, जो शेष टूंड सा बचा था इतना, बाकी सारी कट चुकी थी।
राजाओं की फिर एक व्यवस्था होती है, वो शिकार खेलने जाते हैं जंगल में, शिकार खेलने जाते हैं, इन मृगों को मारते हैं। अब राजा और वो महामंत्री जो नया चुना था, और भी 20-30 उसके सैनिक 50 चले गए। राजा और महामंत्री जंगल में अकेले रास्ता भूल गए। उधर से जंगली लोगों का कोई पर्व था, देवी को बलि देनी थी, उनके पुरोहित ने कह रखा था उन जंगली लोगों के सरदार को, उनके पुरोहित ने कह रखा था कि मनुष्य की बलि दो तब देवी प्रसन्न होगी। तो उन्होंने उस सरदार ने वहाँ के जो मुखिया ने जंगल के उन लोगों के मुखिया ने चारों तरफ बहुत से अपने व्यक्ति भेज दिए कि कोई मनुष्य लाओ पकड़ के, आदमी लाओ पकड़ के, नर बलि। वो 20-30 जने जा रहे थे, राजा और वो महामंत्री दोनों दिख गए, चारों तरफ से घेर लिए और पकड़ लाए। पकड़ के लाके खड़े कर दिए। अब पुरोहित ने कहा कि इनके अंग देखो, कोई अंग भंग ना हो, यानी शाम पूर्ण हो ये, नहीं तो पूजा अधूरी रह जाएगी। काणा ना हो, लंगड़ा लूला ना हो, हाथों की उंगलियां पूरी हो। अब वो लागे फिर उसकी चेकिंग करने, वो निरीक्षण करके देखा कि एक आदमी की उंगली कट रही है, ये उंगली नहीं है। पुरोहित ने कहा कि इसकी बलि नहीं स्वीकार होगी। वो राजा तो छोड़ दिया, वो दूसरा पूरा था वो चापलूस, ने बोला जी यू ओके है कि इसको कर दो काम, वो काट दिया। वो चापलूस तो कर दिया काम, वो काट दिया, राजा बच गया। अब राजा ने तो वहीं से स्पीड ठोक दी और पहुंचा घर पे। आते ही सबसे पहले उस महामंत्री को जो कैद कर रखा था उसको खोला और सीने से लगा कि भाई मुझे क्षमा करना, मेरे से बहुत भूल बन गई, आपको मैंने जेल में डाल दिया। आपने जो शब्द कहा था उस दिन कि आपकी उंगली कट गई, बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ था आपकी बात का, लेकिन आज मेरे साथ वो घटना घट गई कि आपका वचन सही था कि यू बहुत अच्छा हुआ। अब राजा समझ गया, राजा को पता लग गया कि भी मेरी उंगली कटने से मेरी मौत बच गई, मेरा जीवन बच गया, नहीं तो मेरी जान जानी थी। तो फिर उस राजा ने मंत्री से कहा कि भी ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा हुआ मेरी उंगली कट जाने से मेरी जीवन रक्षा होगी, लेकिन आपके लिए क्या हुआ, आपको अननेसेसरी 6 महीने की कैद काटनी पड़ेगी। अब वो महामंत्री, भूतपूर्व महामंत्री कहता है कि मेरी भी जान बच गई, ना आज तेरे साथ मैं होता और मेरी जान जाती, 6 महीने की कैद में मेरा भी जीवन रक्षा होगी, ये भी बहुत अच्छा हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये भले ही कथाएं हों और भले ही ये सच्चाई है, लेकिन ये विधान परमात्मा का ऐसा ही है, हमने इसको सत्य ही मानना पड़ेगा। तो किसी के साथ कोई ऐसी घटना घट भी जाती है तो इन परमात्मा के जो दिए हुए फार्मूले हैं इनको तुरंत अप्लाई कर लिया करो अपने माइंड में, 90% टेंशन खत्म हो जाएगी और फिर रिजल्ट देखना परमात्मा का। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। एक ये फार्मूला है, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घटुम प्राणी, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब ये दूसरा फार्मूला है कि परमात्मा के आगे उसके चरणों में पड़े रहना, आखिरी श्वास तक भक्ति करते रहना, और कोई भी मान ले आपके ऊपर आपत्ति है तो कहते हैं कदे तो दीन दयाल के बेनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनेगा दाता हमारी, और अवश्य सुनेगा, वो सबकी सुनता है,
भक्तों के लिए।